फ्रेंड्स, क्लीफुल क्रिएशंस की मंडाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा मोटिव है कि आप मंडाला आर्ट को आसान और सरल तरीके से बनाना सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक पैटर्न्स के साथ। तो चलिए मंडाला के कुछ और पैटर्न्स सीखते हैं। पहले पैटर्न के अंतर्गत हम दो बॉक्सेस में एक फ्लोर डिजाइन ले रहे हैं। सेंटर में डाला एक लीफ ली, सेकेंड डायगनली एंड थर्ड हाफ। अगेन देखेंगे, सेंटर लाइन से एक लीव ली, नीचे हमने हाफ ऑफ लीव डाली और बीच में डायगनली एक फुल लीव डाली। दोबारा से देखेंगे, सेंटर लीव, हाफ लीव और डायगनली में फुल, लाइक दिस, बीच में एक छोटी सी लीफ बना दी। नेक्स्ट पैटर्न, सेंटर लाइन डाली, एक लाइन छोटी, सेंटर लाइन, एक लाइन छोड़ी, सेंटर लाइन। इसके बराबर में 0.01 की दो पैरेलल लाइन और बनाई, लाइक दिस। अब ऊपर लीफ, नीचे एक सर्कुलर, ऊपर लीफ, एक सर्कुलर लीफ, सर्कुलर ऐसा, और इसी से जोड़ते हुए सर्कुलर है। नीचे जो ट्रायंगल बन गए हैं उनको डार्क कर दिया, ऊपर इसको हमने क्लोज कर दिया और अपनी शेडिंग पेंसिल से इन लाइन में शेड कर दिया, लाइक दिस। एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, यानी बॉक्स में डायगनल लाइन जोड़ते हुए एक ट्रायंगुलर सीरीज क्रिएट की, बीच में एक सर्कुलर रिंग, डायगनली सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, ट्राइंगल को डार्क, सर्कुलर रिंग, इसको हमने डार्क कर दिया। यहाँ पे तीन लीफ पेटल, दो हाफ, बीच में फुल, साइड वाले छोटे रहेंगे और बीच वाला बड़ा रहेगा, इस तरीके से करते हुए। अब इसमें आप छोटे ट्राइंगल लेके इसको डार्क कर सकते हैं या पूरा ट्राइंगल भी डार्क कर सकते हैं। अपने चौथे पैटर्न पे आते हैं। एक ओपनिंग फ्लावर बनाएंगे, बहुत सुंदर लगता है ये। इसमें आपने ध्यान रखना है, दो बॉक्स में एक लीव लेनी है और दो बॉक्स में दूसरी कर्व रिंग लेनी है, लाइक दिस, ऐसे, और एक सर्कल डॉट के साथ। यही सिमिलर काम अपोजिट साइड में करना है। एक बार दोबारा देखेंगे, एक सर्कल क्रिएट कर लें, उसमें एक डॉट लगा लें, एक कर्व रिंग लेनी है, लाइक ऐसे, और सेकंड को बेस से जोड़ देना है, कर्व करते हुए और इस वाले को बेस से, इस ट्रायंगल को पूरा डार्क कर देंगे। एक बार फिर देखेंगे, एक सर्कल बनाया, छोटा डॉट डाला, इसमें से एक सर्कल, हाफ सर्कल करते एक रिंग बनाए, ये लास्ट उस तक गए और सर्कुलरी खींच दी, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए एक रिंग बनाई, स्ट्रेट करते हुए बीच लिया और इसके बीच में जो ट्रायंगल बचता है उसको पूरा डार्क कर दिया। फिफ्थ पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ पैटर्न के अंदर अगेन ये पैटर्न दो बॉक्सेस में आएगा। सेंटर वाले हिस्से में आपने एक लीफ बनाई और फिर डायगनली करते हुए एक सर्कुलर, एक लीफ बनाई और डायगनली आपने एक सर्कुलर, बीच में एक सर्कल बनाया, अब यहां पे आपने क्या करना है, डायगनली एक लीफ बनानी, जो भी स्पेस बच जाए
सर्कल और सेंटर लीफ के बीच में जो भी हमारा स्पेस बच रहा है उसको एक लीफ से कवर करना है, और इस लीफ की जो फेस रहेगा वो हमारी बेस लीफ के साथ रहेगा। अब इसमें जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बच जाएंगे वो सब हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ताकि ये जितना भी ये अनवांटेड स्पेस है जो हमारे सर्कल और लीफ पैटर्न के डिजाइन के बीच में आ रहा है उसको हम ब्लैक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अब ये हमारा ऊपर वाला डिजाइन नजर आने लगा है। सिक्स पैटर्न के अंदर हाफ से डायगनली सर्कुलर रिंग, देन वन डायगनल लाइन, हाफ से डायगनली सर्कल लीफ एंड वन डायगनल लाइन, एंड सिमिलरली डायगनल रिंग एंड हाफ। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है, इसका टॉप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा, थोड़ा सा कर्व करते हुए बीच के हिस्सों में पेटल देने की करेंगे ट्राई, कर्व पेटल्स लाइक दिस। जो ये ट्रायंगल बच जाते हैं या छोटा सा स्पेस, ट्रायंगल का छोटा सा स्पेस जो बच जाएगा उसको स्ट्रेट लाइन से आप डार्क कर देंगे जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया, लाइक दिस। अब वी बनाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये जो बीच का हिस्सा बचा है ट्रायंगल शेप में इसको भी हम डार्क कर देंगे, और ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पीस बचा है इसमें हम शेडिंग पेंसिल से स्लाइटली शेड डाल देंगे, लाइक दिस। सेवेंथ पैटर्न पे चलते हैं। सेवेंथ पेटल में हम थ्री फ्लावर लोटस बनाएंगे। थ्री फ्लावर लोटस बनाने के लिए सेंटर में एक पेटल, इसके बीच में एक छोटी पेटल जिसको हम डार्क कर देंगे, यू का हिस्सा लेंगे और ऊपर से जॉइंट कर देंगे। फिर से देखेंगे, सेंटर में एक पेटल लेंगे, यू की तरह ऊपर से टॉप से जॉइंट करेंगे और फिर छोटे छोटे इसमें डाल देंगे। इस ट्रायंगल को जो ये बच जाएगा प्रॉपर डार्क कर देंगे ताकि हमारी शेप हमें समझ में आने लगे। एक बार फिर से देखेंगे, सेंटर में एक लीफ बनाई, यू उठाते हुए नीचे से कर्व लिया, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी, और देन उसको जॉइन कर दिया। ये जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे राइट एंड लेफ्ट साइड में उसको डार्क कर दिया। अब हमारे पास जो ये हिस्सा बचा है यहाँ पे दो लीव्स डाल देंगे जिससे हमारा बॉटम में ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा, और इस ट्राइंगल को भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इसमें आप लोटस का कलर भी दे सकते हैं या डबल शेड में भी आप दो कलर यूज कर सकते हैं, जैसे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, येलो ऑरेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आपका इसका आएगा। अब हम क्या करेंगे, यू बनाएंगे दो बॉक्सेस में। देख पा रहे हैं मैंने किस तरीके से बनाया है, ऊपर से लिया, नीचे गए और ऊपर की तरफ आ गए। इसमें इस पॉइंट तक आपको एक ब्रॉडर लीव लानी है, लाइक दिस। थोड़ा सा फ्लैट कर्व करते हुए सेंटर पॉइंट, थोड़ा सा फ्लैट कर्व करते हुए सेंटर पॉइंट, सिमिलरली लाइक दिस। इसके अंदर छोटी डार्क लीफ, ठीक है, और अपोजिट साइड में एक बड़ी लीफ। इस बड़ी लीव में आप क्या करेंगे, शेड डाल देंगे, और यदि आप कलर करना चाहें इसके अंदर आप ग्रीन कलर कर सकते हैं, और इस लीव में आप कलर्स डाल सकते हैं जैसे येलो, आपका ब्लू, आपका रेड, तो ये बहुत सुंदर आपकी एक बेल की लुक देगी। नाउ हम अपने थर्ड नाइन्थ पैटर्न पे चलते हैं, जहां पे हमें क्या करना है, एक उसमें दो सर्कुलर रिंग लेनी है राइट एंड लेफ्ट, यानी एक लीव लेनी है और उसको फिनिश जो करना है बॉटम से वो सर्कुलर रिंग के थ्रू करना है। ये सीरीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि किस तरीके से बनती है, अब इसी में ही थोड़ा सा इनोवेशन करते हुए इसको और सुंदर बनाने की ट्राई करेंगे।
ट्राइंगल्स को अगेन क्या करेंगे हम लोग, डार्क। जी हाँ, जिससे हमारा डिजाइन क्या होता है, उभरने लगता है। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, ऊपर छोटी छोटी रिंग्स बनाएंगे और अगेन एक और रिंग बनाएंगे, रिंग इन द सेंस कर्व लाइन बनाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो एक डिजाइन हमारा ये हो गया। बीच में हम सर्कल डालेंगे और इन सर्कल को हम क्या कर देंगे, हमारे 10th पैटर्न पे आते हैं। 10th पैटर्न में हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगुलर सीरीज बनानी है। तो वी मेक अ ट्रायंगुलर सीरीज बाय जॉइनिंग द डायगोनल लाइन ऑफ एन बॉक्स। अब इस ट्रायंगल की सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो रिंग्स बनाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये जो बॉक्स बच जाएगा, एक डायमंड शेप बचेगी आपके पास, जिसको आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर फ्लोरल लीफ डालनी है, 1, 3 आएगी, 1, 2 और 3। सेंटर लीफ लेने के बाद 1 लीफ 2 लीफ 3 लीफ, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से ही आपका एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। अपने 11th पैटर्न पे चलते हैं। इसमें हमें फुल लोटस बनाना है, 2 बॉक्सेस में लोटस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान रखें, 1, 2 और 3 आपके ये डॉट्स आ गए और एक डॉट इनकी मिडल में खींच लेंगे, यानी आपके पास 2 बॉक्सेस में 5 डॉट्स आ गए। मिडल डॉट से लीफ बनाई, स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, कर्व से नीचे जोड़ा, स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, कर्व से नीचे जोड़ा, स्ट्रेट एंड कर्व के थ्रू नीचे। तो ये 5 पेटल लोटस बन जाएगा। एक बार दोबारा देखेंगे, 1, 2 और 3 और इनके मिडल में 2 डॉट। तो ये 5 डॉट से हमें लोटस बनाना है। सेंट्रल डॉट पे गए, इसमें हमने लीव बनाई, डायगनली गए, कर्व के थ्रू नीचे ज्वाइन किया, डायगनली कर्व के थ्रू नीचे। स्ट्रेट भी जा सकते हैं, डायगनली भी जा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि छोटी जगह पे वो आपको वैसे ही समझ में आएगा। 1 डायगनली जाते हुए कर्व के थ्रू नीचे। अब ये जो बच गया है, आप पूरा भी कर सकते हैं या छोटा ट्रायंगल बनाते हुए उसको भी डार्क कर सकते हैं, लोटस में शेड कर सकते हैं, सेंटर वाली में नीचे से ऊपर और साइड में ऊपर से नीचे डायगनली एक एक स्ट्रोक भी देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, लाइक दिस। कलरफुल इफेक्ट भी डाल सकते हैं। हमारा 12th एंड इस सीरीज का आखिरी पैटर्न है। इसके अंदर हम सेंटर अगेन 2 बॉक्स में एक ये पैटर्न आएगा, सेंटर से उठाएंगे, एक रिंग क्रिएट करेंगे और यू की तरह जोड़ देंगे। फिर से देखेंगे, उठा के ऊपर गए, एक रिंग से फिनिश किया और कर्व करते हुए यू पे छोड़ दिया। बीच में से शुरू करते हैं तो इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट साइड रिंग बनाई और यू से इन लीफ को जोड़ा, 2 छोटी लीफ से इसको खत्म किया, नीचे एक सर्कल दिया और ये जितना भी हिस्सा बच रहा है उसको डार्क कर दिया। एक बार फिर देखेंगे, 2 बॉक्सेस में करना है, मिडिल लाइन से गए, ऊपर कर्व करते हुए रिंग बनाया, सेम यही काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया। यहाँ पे हमने 2 पेटल दी और इनको हमने एक यू से जोड़ दिया, इन दोनों के बीच में एक सर्कल दिया और बाकी ये जो पैटर्न बच रहा है उसको हमने डार्क कर दिया ताकि हमारी शेप अच्छे से हमको नजर आए, लाइक दिस। होप आपको ये सारी सीरीज समझ में आई होंगी।